तो अब एक काम करते हैं, कॉल्स यहाँ से एकत्रित कर लेते हैं। फ्रेश परस्पेक्टिव लेके सचिन और श्रीकांत जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार और मानस व अमित हैं। सचिन जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में जो एक पेन पॉइंट था, मुझे लग रहा है फॉर द डे एटलीस्ट वो पर्टिकुलर पेन पॉइंट ऑन द लोअर साइड एस्टैब्लिश हो चुका है एंड 21,840 मुझे लग रहा है एक अच्छा डिपेंडेबल स्टॉप लॉस हो सकता है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइन अगर मिलते हैं तो वापस एक अच्छी खरीदारी करने की यू नो अपॉर्चुनिटी बन सकती है मार्केट में। बट ओवरऑल जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है आज 22,070 से लेके 21,900 इसी पर्टिकुलर जोन में थोड़ा सा जायरेशन होगा। बट कहीं जाकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिकवरी मोड यू नो सस्टेनेबल हो सकता है थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है। पहले बात तो जिस तरीके से स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने एक अच्छी मूव दी थी एंड कहीं जाकर अभी उसमें एग्जॉशन आए हैं। तो उसमें से जो स्टॉक मैंने चूज किया है ऑन द शॉर्ट साइड पहले है वो है डीएलएफ का। इसके अगर हम मार्च के फ्यूचर्स देखें तो लगभग अराउंड 899 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर बाउंस बैक में, इस पर्टिकुलर पुल बैक में मुझे लग रहा है 905 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। कल के सत्र में एक क्लासिक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन यहाँ पर डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है एंड प्लस काफी समय के बाद अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की इसने क्लोजिंग ओपनिंग एस्टैब्लिश की है। तो मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है अगले कुछ दिनों में 860-865 लेवल के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन ऑन द राइज बनाने हैं, ना ही इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो अराउंड 905 के आसपास आपको शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं, 914 का स्टॉप लॉस लगाना है। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 880 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 865 के आसपास एक स्विंग बन सकता है। ऑन द लॉन्ग साइड एसबीआई लाइफ का स्ट्रक्चर काफी हेल्दी रहा है एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेंड अगले सीरीज में भी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। जिस तरीके से 60 मिनट चार्ट है अभी भी लग रहा है कि एक अच्छा क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1620 के आसपास प्लेस्ड है। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 1600 का, यहाँ पर भी मार्च के लेवल्स में यू नो इंडिकेट कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस आपको 1535 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ के फ्यूचर में। ओके, तो ये हो गई सचिन के पिक्स, एक सेल साइड पर डीएलएफ और एक बाय साइड पर एसबीआई लाइफ, दोनों मार्च के फ्यूचर्स की यहाँ पर बात हो रही है। डीएलएफ को सेल ऑन राइज और दूसरा स्टॉक जो एसबीआई लाइफ जो डिस्कस हुआ उसको बाय ऑन डिप्स। क्या करना है आपको, इन सब का जवाब दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।